डर एक ऐसा चीज है दोस्तों, जिसको दिमाग में अगर बैठा लिया जाए तो कोई काम कर नहीं पाइएगा आप लोग। कोई भी काम करने के लिए अपने मन से डर को हटाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपके मन के भीतर का डर खत्म हो गया तो आपको उस काम को करने से कोई विधाता नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने मन से डर हटा लिए तो बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं। आपके भीतर पैर है कि नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, सबसे बड़ा होता है डर को हटाना। आज हम लोग डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डर का मतलब होता है फोबिया, और फोबिया हर प्रकार का होता है। मान के चलिए किसी को बंद कमरा से डर लगता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जिसका कुत्ता से डर लगता होगा उसके लिए क्या कहते हैं, जिसको पुरुष से डर लगता होगा उसको क्या कहते हैं, जिसको किताब से डर लगता हो उसको क्या कहते हैं। तो फोबिया हर एग्जाम में पूछा जाता है और वेरियस एग्जाम में पूछता ही रहता है। ये कुछ वेरियस होता है फोबिया का, एक दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस पार्ट में अगर पूरा हो जाए, यानी इस क्लास में पूरा हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। मैं सनीदेव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसी से रिलेटेड सारे चीज को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हम कुछ शब्द को लिख दिए हैं, यानी कि आपके बोर्ड पर हम कुछ शब्द को लिखे हैं। इन सारे वर्ड को याद करना कोई बड़का काम नहीं है, एक एक बार बस हमारा बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी जो हम बोलेंगे उस सब को एकदम ध्यान से सुनना है और घर पर एक दो बार प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक ही सारा शब्द याद आपको हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के अंत में, ध्यान से सुनना, जिस भी शब्द के अंत में फोबिया नजर आता है उसका मतलब कहीं ना कहीं डर से रिलेट करता है, यानी कि फियर से रिलेट करता है। ये अपने आप में एक प्रकार का डर होता है जो आपके मन में डर बैठ जाता है, वो भी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है और ये बेसिकली नाउन होता है। यानी अगर इसका ग्रामेटिकल फंक्शन की बात की जाए कि ग्रामर में ये कौन सा रूप में काम करता है तो ये आपका नाउन होता है। अब एक एक करके हम सारे चीज को देखते चलते और समझते चलते हैं। देखिए फोबिया सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। अगर आपको हो भी जाता है, ये एक प्रकार का हो भी गया तो ये इसे बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। ये डर है, मन का कीड़ा हट गया, बात खत्म। मान के चलिए हमको उससे डर लगता है तो उसी से एक दो बार लड़ लिया जाए तो डर खत्म हो जाएगा, या उससे दूरी बना लिया जाए, उसके मन में उसके बारे में कम सोचा जाए तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है कि दिमाग में कुछ इधर उधर हो जाता है। बचपन में हम लोग को बहुत चीज से डर लगता है, अब नहीं लगता है। हो सकता है जब हम बूढ़े हों तो उस समय भी बहुत चीजों से हमको डर लगे, जवानी है अभी भी बहुत चीजों से डर लगता है, लड़कियां से बात करने में भी डर लगता है। तो वो सब प्रकार का डर होता है जो खत्म हो जाता है। देखिए पहला शब्द लिखा एकोस्टिकोफोबिया। सबसे पहला देखिएगा, अंत में लगा हुआ है फोबिया, इसका मतलब इस शब्द रिलेट करेगा फियर से, यानी कि डर से। हम यहाँ पर फियर लिखेंगे, डर न लिखेंगे, फियर। फियर का मतलब ही बताए हैं कि डर, यहाँ लिख भी दिए हैं कि फियर का मतलब होता है बालक डर। तो ये तो डर हो गया। अब कौन चीज का डर है, क्या चीज का डर है, तो ये पहले वाला जब तक आप नहीं पढ़िएगा, यानी कि इससे पहले जो फोबिया से पहले दिया हुआ है, अगर उसको नहीं पढ़िएगा तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए फियर ऑफ साउंड कह सकते हैं, फियर ऑफ साउंड या फियर ऑफ म्यूजिक भी कह सकते हैं, फियर ऑफ साउंड या फियर ऑफ म्यूजिक कह लीजिए, उसी को कहा जाता है एकोस्टिकोफोबिया। ध्यान से सुनना है, एकोस्टिकोफोबिया, फियर ऑफ साउंड या फियर ऑफ म्यूजिक भी कह सकते हैं। अब सर फियर ऑफ साउंड ही क्यों हुआ, कोई दूसरा चीज क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर समझिएगा एकोस्टिको, आप जब गाना वगैरह सुनते होंगे यूट्यूब पर तो देखते होंगे गाना में लिखा हुआ एकोस्टिको साउंड। एकोस्टिक का मतलब होता है खूबसूरत टाइप का या सोलफुल टाइप का, इस सब सेंस में एकोस्टिक या बेहतरीन के सेंस में एकोस्टिक ले सकते हैं। और एकोस्टिक जहां भी लिखा हुआ नजर आए तो वो हमेशा साउंड से ही रिलेट करता है, और म्यूजिक में भी तो क्या होता है, साउंड होता है। तो इसीलिए फियर ऑफ साउंड या फियर ऑफ
म्यूजिक भी आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। शब्द लिखा हुआ है एक्रोफोबिया, तो एक्रोफोबिया का मतलब आप लोग समझिएगा कि एक्रोफोबिया का मतलब होता क्या है। तो फोबिया का मतलब ही हो गया फियर, और आपके एग्जाम में इसी तरीका से देगा, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ कुछ भी दे देगा और आपको ऑप्शन चार को बना देगा। तो फियर ऑफ आप कह सकते हैं, यहाँ पर फियर ऑफ आप कह सकते हैं हाई प्लेसेस। जब किसी को ऊंची जगह से डर लगता है, यानी ऊंचा जगह से किसी को डर लगता है, ऊंची मान के चलिए बड़ा बड़ा जगह पर ले जाएगा ऊपर, तो उसको डर लगने लगता है, तो एक्रोफोबिया का मतलब आप कह सकते हैं कि उसे एक्रोफोबिया हो गया। अगर आज के बाद कोई कहे कि उसको एक्रोफोबिया हो गया है, तो इसका मतलब फियर ऑफ हाई प्लेसेस हो गया है, उसको ऊंचाई से डर लगता है। अब अगला शब्द देखिएगा एरोफोबिया। देखिए फोबिया का मतलब ही होता है फियर, यानी कि एक प्रकार का डर होता है, और एरोफोबिया, एयर का मतलब यहाँ देखिएगा एरोफोबिया यानी एयर, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिख सकते हैं फियर ऑफ एयर थिंग्स भी कह सकते हैं, या एयर कह दीजिए डायरेक्ट, दोनों का बात सेम ही होगा। जिसको कोई बड़ा बड़ा एयर से या एरोप्लेन से भी कह सकते हैं, फियर ऑफ एयरप्लेन्स कह सकते हैं, तो एरोफोबिया जिसको हवा से डर लगता हो, ज़्यादा ऊंचाई में आप हवा, ये देखिए ये ऊंचाई से डर है और ये हवा से डर है, तो ये क्या हो जाएगा फियर ऑफ एयर थिंग्स कह सकते हैं। अगला शब्द देखिएगा एचुलोफोबिया। एचुलोफोबिया का मतलब क्या होता है उसको देखिएगा, एचुलोफोबिया तो यहां पर देखिएगा फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस जिसको अंधेरा से डर लगता हो, जिसको अंधेरा में बंद कर दीजिए तो वो एकदम सकपका जाएगा, एकदम डर जाता होगा। जैसे बचपन में हम लोग को कोई अंधेरा में छोड़ देता था तो हम लोग भी डर जाते हैं, मगर अब नहीं डरते हैं, अब कुछ देर रह जाते हैं, मगर वही बहुत ही सुनसान जगह हो वहाँ पर अभी छोड़ दिया जाए तो एकदम घूस बम्स हो जाएगा, एकदम डर का पूरा खत्म ही कहानी है। अगला शब्द है एलुरोफोबिया। एलुरो का मतलब ध्यान रखिएगा, फोबिया लिखा हुआ है तो फियर ही होगा, फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता हो, जिसको बिल्ली देखते ही डर जाता हो, जैसे लड़कियां सब होती है बिल्ली छिपकली से देख कर तुरंत डर जाएगी, तो उसी के लिए शब्द बनता है एलुरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। अब इस शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, अगर इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बस हम लोग यहाँ पर उसका शब्द का चीज देखेंगे, अगर वो सब चीज़ देखेंगे तो एक एक वर्ड में पूरा क्लास आपका निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड्रोफोबिया, ANDE का मतलब याद रखिएगा, ANDE जहाँ भी आ जाए वहाँ पर उस शब्द रिलेट करता है मेन से, यानी कि पुरुष से रिलेट करेगा, यानी पुरुष से ही डरने का चीज होगा। एंड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब भी हम बताए हैं फियर ऑफ मेंस, जिसको पुरुषों से डर लगेगा, जिसको पुरुष के वैरायटी से, जिसको पुरुष के प्रजाति से डर लगेगा, उसी के लिए शब्द बनता है फियर ऑफ मेंस का ही शब्द बनता है एंड्रोफोबिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है एंग्लोफोबिया। एंग्लो का मतलब याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन बहुत सारा युद्ध भी, आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़े होंगे आप लोग GS में, तो वही है एंग्लोफोबिया। फोबिया का मतलब ये होता है फियर ऑफ, यहाँ पर फॉरेन कह सकते हैं, इंग्लिश कह दीजिए, इंग्लिश पीपल और थिंग्स कर दीजिए। अब यहाँ पर इंग्लिश पीपल और थिंग्स का मतलब समझिएगा, एंग्लो का मतलब ही हो जाता है कि अपने देश से बाहर, और अपने देश से बाहर जनरली अंग्रेज ही होते हैं, क्योंकि विदेशी को ही आप क्या कहिएगा, बाहर का कहिएगा, क्योंकि अपने घर का तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान ही तो अपना घर का है, हम ही से बना है, हम ही से तक तो टूट का बना है ना, तो इसको आप विदेशी नहीं कह सकते हैं, इसको आप घरेलू कह सकते हैं, देशज कह सकते हैं कि अपना भाई भाई है, तभी तो कहता है पाकिस्तान हमारा बेटा है और हम उसके बाप हैं, उसीलिए बात होता है। तो एंग्लोफोबिया ये जनरली इंग्लिश पीपल के लिए यूज होता है, तो एंग्लो का मतलब फियर ऑफ इंग्लिश पीपल और थिंग्स, जिसको अंग्रेजी लोग और वहां से रिलेटेड उसके सामान से डर लगता है, एंग्लोफोबिया। एंथोफोबिया तो इसको भी देख लेते हैं, फियर ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, जिसको फूलों से डर लगता होगा, एंथोफोबिया यहाँ से भी आता है, एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी करके भी शब्द आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी,
एंथोलॉजी, जिसको लॉजी का मतलब होता है स्टडी और एंथो का मतलब होता है कि फूलों का अध्ययन। यहाँ पर लिखा हुआ एंथोफोबिया, एंथो भी एक प्रकार का रूट वर्ड ही होता है और इसका मतलब होता है फ्लावर्स, यानी जिसको फ्लावर्स डर लगेगा। जैसे लड़की सबको फ्लावर्स दीजिएगा सर दो घर में चा, ऐसे दीजिएगा फ्लावर आने से तबाक से मुंह पर रख देगी, तो क्या होता है डरता है लड़का सब फूल देने से लड़की से। बाकी लड़का लड़का को कहिए ना फूल देने के लिए, कोई कांड करने के लिए तुरंत कर देगा, मगर लड़की वाला मैटर में सब फेल हो जाता है। तो एंथोफोबिया हो जाता है कि फूले डरे से डराने लगता है, तो एंथोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स। एपिफोबिया, एपिफोबिया को भी देख लेते हैं, फोबिया का मतलब भी बताए हैं फियर और एपी, फियर ऑफ बीज। अभी बीज का मतलब सर क्या होता है, तो बीज का मतलब होता है बीज, सीड्स वाला बीज ना बी है, मधुमक्खी वाला बी है, तो फियर ऑफ बी यानी जिसको मधुमक्खी से डर लगता होगा। एपिकल्चर, यहाँ भी एक और शब्द याद रखिएगा एपिकल्चर। अब एपिकल्चर, ये दो को शब्द याद रखना, एपिकल्चर, एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब होता है कि मधुमक्खी पालन। आप कह सकते होंगे जी जो व्यक्ति मधुमक्खी का पालन करता हो उसी के लिए शब्द बनता है एपिकल्चर और एपिफोबिया। एपिकल्चर, एपिफोबिया, एपी का मतलब भी होता है बी, यानी कि मधुमक्खी से रिलेटेड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जितना भी शब्द बताए हैं ये ए से रिलेटेड है, अभी ए से लेकर हम लोग को जेड तक जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक करके सिस्टम से हम लोग हर चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां तक आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।